अब ऐसे कौन से कारण थे, मैंने क्या कहा कि 35 साल बाद, भाई मरने के 35 साल बाद उनके एक्सपेरिमेंट को पढ़ा गया, देखा गया, उस पर ध्यान दिया गया, तो ऐसे कौन से कारण थे कि 35 साल पूरे लग गए मेंडल के वर्क को और लोगों ने उसको नोटिस ही नहीं किया, तो ऐसे कौन कौन से कारण हैं। फर्स्ट जो उसका रीज़न है, ही वॉज नाइदर अ साइंटिस्ट नॉर अ मेंबर ऑफ ग्रेट यूनिवर्सिटी, बिकॉज ऑफ, जैसा कि बेटा आज भी होता है ये चीज़ कि जो व्यक्ति हाई सोसाइटी से बिलोंग नहीं करता है ना, जिसके अप्रोच बड़े बड़े लोगों से नहीं है, उनका सोसाइटी जो है वो उनकी बात की वैल्यू कम मानती है, कम रखती है ना, उनकी वैल्यू कम करती है, और जो हाई सोसाइटी से बिलोंग करता है, जिसकी अप्रोच जो है वो बहुत बड़े बड़े लोगों से है ना, तो उसकी बात बेवकूफ़ी भरी बातों की भी वैल्यू हो जाती है ना। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ मेंडल के साथ, क्योंकि मेंडल बहुत बहुत वैल्यूबल इम्पोर्टेंट बातें कह गए, लेकिन लोगों ने इसलिए ध्यान नहीं दिया कि ये एक गरीब परिवार से थे, ये एक किसान फैमिली से थे, इसके बाद जो है ये एक छोटे से स्कूल में एज अ साइंस टीचर वर्क कर रहे थे ना, प्रीस्ट थे, कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी या बहुत नामचीन स्कूल में है ना पढ़ा नहीं रहे थे, तो इसलिए इनकी बातों पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, ये भी एक रीज़न रहा। ठीक है, ही वॉज नाइदर साइंटिस्ट नॉर अ मेम्बर ऑफ ग्रेट यूनिवर्सिटी, ना तो ये साइंटिस्ट थे, ना किसी ग्रेट महान यूनिवर्सिटी के कोई मेम्बर थे। ऑल ओवर द वर्ल्ड वर अट्रैक्ट बाय द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उस समय चर्चा में जब इन्होंने अपना ये एक्सपेरिमेंट पब्लिश करवाया था, एट दैट टाइम डार्विन, जो डार्विन साइंटिस्ट हुए, उनका जो इवोल्यूशन थ्योरीज थी है ना, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, कि भाई हम एप्स से या चिंपैंजी से इवोल्यूट हुए हैं है ना, या जिराफ की गर्दन पहले छोटी थी फिर किस तरह से बड़ी हुई है ना, एडाप्टेशन और इवोल्यूशन, ये सब सारे जो टॉपिक्स चल रहे थे, चर्चा में थे, इतने इंटरेस्टिंग लग रहे थे लोगों को, कि सबका अट्रैक्शन जो था वो उसी ओर था, मेंडल की तरह नहीं गया। फिर कैलकुलेट डन बाय मेंडल वर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, जैसा कि मैंने कहा कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में स्टैटिक्स है ना और मैथ्स का भी यूज़ किया है, तो चूंकि बायो स्टूडेंट्स, बायो जो रिलेटेड साइंटिस्ट हैं ना, बायो फील्ड के जो मेंबर्स हैं, मैथ्स कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, उनका कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए उन्होंने इसे समझने में अपना ध्यान दिया ही नहीं, अपने इंटरेस्ट दिखाया ही नहीं। नेक्स्ट जो था, हिज वर्क वॉज पब्लिश इन लोकल, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट एक लोकल एरिया की मैगजीन में पब्लिश करवाए, नेचर ऑफ हिस्ट्री, तो वो एक लोकल मैगजीन थी, उसका एरिया लिमिटेड था है ना, लिमिटेड एरिया तक ही वो डिस्ट्रीब्यूट होती थी, लिमिटेड एरिया के लोग ही उसे पढ़ते थे, इसलिए भी उनके एक्सपेरिमेंट्स को उस समय सबने नोटिस नहीं किया। फिर बाद में क्या कारण रहे कि मेंडल के जो सक्सेस मिली, मेंडल को इतना बड़ा ऑनर भी दे दिया फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो ऐसे क्या कारण रहे, ऐसे कारण रहे फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्शन ऑफ गार्डन पी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, क्योंकि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए गार्डन पी प्लांट को चुना, जो कि एक बहुत ही कॉमन प्लांट है, ठीक है, बहुत एक यू कह ले कि उसका जो स्ट्रक्चर है ना, फ्लावरिंग स्ट्रक्चर है, रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो स्ट्रक्चर से बहुत इजी वे में सबको क्या हो जाता है, समझ में आ जाता है, दिख जाता है, ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है, उसमें जो चेंजेस करने हैं, उसमें जो भी एक्सपेरिमेंट होने हैं, वो आसानी से हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, तो इसलिए पहला उनकी सक्सेस का कारण ये था कि आसानी से हर कोई उसे स्टडी कर पाता था। तो क्या था कि उन्होंने किसका सिलेक्शन किया, गार्डन पी प्लांट का अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। सेकेंडरी उनका सक्सेस का कारण था वन टाइम ओनली वन कैरेक्टर, उन्होंने जो भी हेरिडिटी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पे किए, एट दैट टाइम उन्होंने ऐसा नहीं किया कि बहुत सारे कैरेक्टर्स को लेकर के
कि भाई बताया कि हाँ ये भी कैरेक्टर, ये भी कैरेक्टर, ये भी सब एक साथ जो है वो हेरिडिट होते हैं, इनहेरिटेंस होते हैं, है ना। ऐसे नहीं, उन्होंने क्या किया, एक एक कैरेक्टर को लेकर के कहीं एक्सपेरिमेंट किए, तब जा कर के बताया कि हाँ ये जो कैरेक्टर है ये F1 जनरेशन में शो होगा, ये जो कैरेक्टर है ये F2 में, या ये रिपीट होकर के F2 में जो है वो शो होते हैं, F3 जनरेशन में ये होगा, इस तरह का रेशियो आएगा, है ना, कि पेरेंट्स कैरेक्टर के रेशियो इतना रहेगा, न्यू वेरिएशन का जो रेशियो रहेगा वो इतना रहेगा, जीनोटाइपिकली रेशियो इतना आएगा, फिनोटाइपिकली रेशियो इतना आएगा। बेटा जीनोटाइप फिनोटाइप टर्म्स जो है उसके बारे में मैंने अपनी टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड जो वीडियो है उसमें डिटेल में बताया है, आप उसे ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक। तो वन टाइम में उन्होंने क्या किया, वन कैरेक्टर की हेरिडिटी को एक्सप्लेन किया, ये भी इम्पोर्टेंट था। स्टैटिकली एनालिसिस ऑफ रिजल्ट, मैंने जैसा बताया कि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट स्टैटिक्स मैथ्स का यूज़ किया है, इसीलिए चूंकि हमें रेशियो पता चल रहा है ना, हमें वो मैथमेटिकली काउंट करके बता रहे हैं कि कितने कैरेक्टर्स किस जनरेशन में शो होंगे, कितना हमें जो परसेंटेज है या कितना रेशियो है जो है वो हमें नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन में मिलता है कैरेक्टर्स का। तो ये स्टैटिकली उन्होंने अपने रिजल्ट्स को प्रूफ किया है, ये भी उनकी सक्सेस का एक बहुत बड़ा कारण रहा। फिर एक्सपेरिमेंट अप टू F1 F2 F3 जनरेशन, उन्होंने सिर्फ एक जनरेशन तक ही अपने एक्सपेरिमेंट को लिमिटेड नहीं रखा, उन्होंने अपने सारे एक्सपेरिमेंट F1 जनरेशन, अगेन फिर उन्होंने F2 जनरेशन तक उसे मतलब डिस्कवर किया, फिर F3 जनरेशन तक भी उन्होंने अपने जो हेरिडिटी कैरेक्टर्स हैं, इनहेरिटेंस कैरेक्टर हैं, उनके रेशियो के बारे में, उनके डिटेल के बारे में बताया, ठीक है। तो ये उनकी सक्सेस के कुछ मेन रीज़न रहे, और ये उनके अनसक्सेस होने के एट द टाइम जब उन्होंने इन अपने एक्सपेरिमेंट को पब्लिश किया था लेकिन उतना रिस्पांस नहीं मिला, उसके कारण ये थे। बाद में उन्हें रिस्पांस क्यों दिया गया, उनके लॉस को सक्सेस क्यों मिली, उसके कारण ये रहे, ठीक। अब चूंकि मैंने क्या कहा कि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किसको, गार्डन पी प्लांट को सिलेक्ट किया, तो व्हाई ही वाज सिलेक्टेड, तो उन्होंने इसको क्यों सिलेक्ट किया, उसका भी रीज़न है। पहला, फर्स्ट पॉइंट, वेल डिफाइंड कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, चूंकि हमने आप पढ़े हैं कि क्या होते हैं एलील में, क्या होते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं, है ना भाई। एलील क्या है, जीन्स का पेयर है, जीन्स का पेयर मान लीजिए कि भाई कोई एक जीन्स जो है वो टॉल कैरेक्टर या टॉल ट्रेट, है ना। अब बेटा ट्रेट और कैरेक्टर और इनमें भी आप थोड़ा सा डिफरेंस समझ लो, देखो कैरेक्टर किसको कहेंगे, कैरेक्टर हाइट, ये हाइट क्या हो गया, कैरेक्टर हो गया, ठीक। अब इसके दो ट्रेट हैं, दो ट्रेट मतलब दो रूप हैं, कैसे भाई, या तो वो व्यक्ति टॉल हो सकता है, या तो वो व्यक्ति क्या हो सकता है, बौना या ड्वार्फ हो सकता है, कम हाइट हो सकती है, तो ये क्या हो गए, ये दोनों इसके ट्रेट हो गए। अब इन्हें जिसे डिनोट किया जाता है, टाल को कैपिटल टी से और ड्वार्फ को स्मॉल टी से डिनोट किया जाता है, अब ये दोनों क्या हो गए, जीन हो गए। अब ये दोनों जीन हो गए, इनका जो पेयर बनेगा, ठीक है, जैसे इनका पेयर क्या बना, एक तो ये पेयर बना, है ना, यदि वे व्यक्ति पूरा टॉल है उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर है तो दोनों जीन कैसे होंगे, डोमिनेंट होंगे, यदि वो पूरा ड्वार्फ है तो उसके दोनों जीन कैसे होंगे, स्मॉल होंगे, है ना, रिसेसिव होंगे। तो ये जो पेयर्स बने हैं जीन्स के, दैट इज कॉल्ड एलील, क्या कहलाते हैं ये, एलील कहलाते हैं, क्लियर, समझ में आया, ये एलील कहलाएंगे, ठीक है। अब लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि एलील में क्या होता है, या तो जो जीन है वो डोमिनेंट हो, डोमिनेंट और रिसेसिव किसको कहा जाता है बेटा, डोमिनेंट आपने देखा होगा कि हमारी फैमिली में भी कुछ एक मेंबर ऐसे होते हैं जिनकी बात हम सभी लोग आसानी से मान लेते बिना कुछ आर्ग्यू किए, है ना, बिकॉज क्योंकि हमें मालूम है कि अगर इसकी बात नहीं मानी तो ये क्या करेंगे,
ये हमें मारेंगे, ये डांटेंगे, ये हमें इंसल्ट करेंगे, जस्ट लाइक हमारे फादर, है ना। पापा लोग ऐसे ही करते हैं ना, मारते पीटते हैं, इंसल्ट करते हैं ना, टीज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जनरली पापा से आर्ग्यू नहीं करते, इजीली उनकी बात हम मान लेते हैं। लेकिन मम्मी, वहीं पर वही मम्मी अगर वो बात कहेगी तो मम्मी को क्या है, हम समझते हैं कि अरे मम्मी को प्यार व्यार करके थोड़ा सा मना लेंगे और इजीली मम्मी हमारी बात मान जाएगी। तो पापा क्या हो गए, डोमिनेंट, जिसके आगे आपका कोई एक्सक्यूज नहीं चलता। मम्मी क्या हो गई, रिसेसिव हो गई, है ना। तो ऐसे ही हमारे जीन्स में भी कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो डोमिनेंट शो कैरेक्टर शो करते हैं, कुछ जीन होते हैं जो रिसेसिव होते हैं। प्रेजेंट जरूर हैं, है ना, मम्मी पापा दोनों बैठे हैं, लेकिन डिसीजन किसका चलेगा, पापा का, बिकॉज पापा क्या है, डोमिनेंट है, मम्मी रिसेसिव है। सेम ऐसे ही जीन में वह कैरेक्टर्स शो होगा, या एलील या जो ऑर्गेनिज्म है उसमें वही कैरेक्टर शो होगा जिसका जीन क्या है, डोमिनेंट है। जैसे यहाँ पर टॉल जीन डोमिनेंट है तो टॉल कैरेक्टर शो होगा। अब यहाँ पर एक शॉर्ट है, एक रिसेसिव है, एक डोमिनेंट है, पर मैंने क्या कहा, जब तक डोमिनेंट कैरेक्टर है, अगर रिसेसिव वहाँ है भी तो भी अपना कैरेक्टर शो नहीं करेगा। तो यहाँ पर भी ये क्या होगा, ये दोनों टॉल रहेंगे, ये भी टॉल और ये भी टॉल रहेगा। और ये चूंकि यहाँ पर अब डोमिनेंट है नहीं, दोनों ही रिसेसिव हैं, इसलिए ये क्या कैरेक्टर शो करेगा, ड्वार्फ का। ठीक है, आया समझ में, कैरेक्टर समझ में आया आपको, ट्रेट किसको कहते हैं समझ में आया, और एलील किसको कहते हैं, डोमिनेंट रिसेसिव क्या होता है, आया समझ में आपको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया उन्होंने भाई, दो कंट्रास्टिंग कलर्स या कैरेक्टर को लेकर के एक्सपेरिमेंट किए इस पे पी प्लांट पे, और आसानी से इसमें कंट्रास्टिंग कलर दिखते हैं, है ना। ठीक है, या तो वो प्लांट जो है वो एकदम टॉल है, या तो वो ड्वार्फ रह जाता है। ठीक है, तो जो भी ड्वार्फ, ठीक, तो ये कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आसानी से क्या हो सके, कंट्रास्टिंग है, दोनों एक दूसरे से अपोजिट है, लंबा और छोटा, तो ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक आसानी से वेल डिफाइन हो रहे थे किसमें, पी प्लांट में, इसीलिए उन्होंने इसे सिलेक्ट किया। फिर चूंकि उसमें कैसे फ्लावर आते हैं, बायसेक्सुअल फ्लावर आते हैं, अब बायसेक्सुअल फ्लावर आते हैं तो इनमें सेल्फ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन प्रोसेस समझते हैं बेटा, पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा, स्टाइल स्टिग्मा तक पहुंचना, है ना, उसे कहते हैं पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन इजीली हो सकता था, साथ में इसके ये अपने आप तो कर ही सकते थे, लेकिन साथ में हम इसमें इजीली क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते थे। ठीक है, दैट्स व्हाई, चूंकि ये बायसेक्सुअल फ्लावर है ना, इसलिए इसे सिलेक्ट किया गया। इजी हाइब्रिडाइजेशन, इसमें वही मैंने कहा कि क्रॉस पॉलिनेशन करा सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करा सकते हैं, न्यू हाइब्रिड इसमें हम जनरेट करा सकते थे, इसीलिए इसे सिलेक्ट किया गया। इजी टू कल्टीवेट, इसको इसका कल्टीवेशन इजी वे में किया जा सकता है, इसकी रख रखाव, इसके देख रेख, इसके बीज को, है ना, स्टोर करके रखा जा सकता था, तो ईजी टू कल्टीवेट। एंड एनुअल प्लांट, मतलब ये क्या है, साल में इसकी टू टाइम फार्मिंग की जा सकती थी, स्वाभाविक है, जब टू टाइम हो रहा है ना, तो क्या होगा, इसकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी है, दैट मींस कि जो भी हम इस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे वो हमको जल्दी ही इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। या मान लीजिए कि हमने भाई इसमें कुछ भी एक्सपेरिमेंट किया तो वो विद इन 6 मंथ हमें उसका रिजल्ट देखने को मिल ही जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है, ये एनुअल प्लांट है, है ना, साल में 2 बार इसकी जो है फ्लावरिंग आती है, या यूँ कह लें कि इसकी फसल आती है। ठीक है, यूँ कह लें कि इसके फल आते हैं, फ्रूट आते हैं, जो भी है ना, जो मटर की जो फली है, बटले की जो फली है, वो कब आती है, साल में 2 बार आती है, एनुअल प्लांट है, जल्दी जो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके रिजल्ट मिल जाएंगे। फिर सुटेबल फॉर क्लाइमेट, क्लाइमेट में सुटेबल है, या इसके लिए जो क्लाइमेट होता है वो भी सुटेबल रहता है, तो इजीली इसकी हम फार्मिंग कर सकते हैं, इसको बो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ये कुछ एक मेन रीज़न रहे जिस कारण से इन्होंने पी प्लांट को सिलेक्ट किया। ये बेटा क्वेश्चन आता है बेटा, ये क्वेश्चन 10th क्लास वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि वाई मेंडल वॉज सिलेक्टेड पी प्लांट फॉर देयर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो यही आपको आंसर उसमें फील करना है।
अब वो कौन से सेवन, मैंने क्या कहा कि वन बाय वन उन्होंने वन टाइम वन करेक्टर्स को क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया है ना, उसके हेरिडिटी कैरेक्टर्स को शो किया, तो वो ऐसे कौन से सेवन कलर्स, सेवन कैरेक्टरिस्टिक थे जिनको लेकर के पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट हुए, वो थे वो सेवन करेक्टर जिस पर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए, वो है पहला फ्लावर का कलर। फर्स्ट जो पी प्लांट में फ्लावरिंग आती है उस कलर पर लेकर के, क्योंकि उन्होंने कंट्रास्टिंग कलर दो कलर्स को लेकर के, एक ही आर्गन के टू अपोजिट कलर्स है ना, जब उन्होंने देखे तो उसे लेकर के एक्सपेरिमेंट किया। कौन से कलर थे, रेड एंड वाइट, ठीक है, फ्लावर्स के कलर था रेड एंड वाइट। पॉड शेप, पॉड मतलब फली, जो बटले की फली आती है ना, जो मटर की फली आती है उस फली को लेकर के, मटर की फली को लेकर के, उसके आकार को लेकर के, कैसे इनफ्लेटेड, या तो वो कैसी थी, फुली हुई थी, या कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब या तो वो श्रिंक थी, सिकुड़ी थी, चपटी हुई थी, आते हैं ना मटर की फली में, कुछ कुछ फलियां बहुत अच्छी फुली हुई क्योंकि उसके अंदर दाने जो है वो फुले हुए होते हैं, अच्छे भरे होते हैं, और कुछ जो है वो चपटी होती है, दाने बहुत छोटे होते हैं। तो पॉड के शेप को, पॉड का कलर, फली का कलर कैसा था, या तो ग्रीन या तो येलो। सीड, बीजों का आकार कैसा था, राउंड या रिंकल्ड, गोल आकार के थे, अच्छे फुले हुए थे, या फिर कैसे होंगे, श्रिंक, छोटे आकार के या रिंकल्ड। कॉटिलीडन, कॉटिलीडन का मीनिंग क्या होता है बेटा, आपने सीड देखा है मटर का है ना, या चने की दाल देखी है, चने देखे हैं, तो चने के जो दाल बनती है और दो जो उसके पार्ट निकलते हैं, ऐसे ही जब आप मटर को छिलोगे और उसको देखोगे, इसका सीड कोट हटा करके देखोगे, तो वो टू इक्वल हाफ में है ना, जैसे मान लीजिए है ना, ये इसके ऊपर क्या होता है, एक ग्रीन कलर का सीड कोट होता है, ये सीड है, तो अगर जैसे हम उस मटर की फली के सीड कोट को हटाते हैं, तो सीड कोट को हटाने के बाद देखेंगे तो दो कॉटिलीडन, इस तरह से दो हमें पार्ट दिखाई देते हैं, दो हमें कॉटिलीडन दिखाई देते हैं है ना, उन कॉटिलीडन्स के कलर को लेकर के भी इन्होंने प्रैक्टिकल किया, वो था येलो एंड ग्रीन कलर, किस कलर के, येलो और ग्रीन कलर। फिर है फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर किस पोजीशन पे आते हैं उस पी प्लांट में, एक्सियल पोजीशन पे आते हैं सबसे ऊपर, या फिर टर्मिनल चारों ओर, ठीक, किस पोजीशन पे आते हैं, किस तरह के फ्लावरिंग होगी, उसको लेकर के भी इन्होंने प्रैक्टिकल किए। हाइट ऑफ प्लांट, और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट हाइट को लेकर प्लांट की, कि वो लंबे हैं या बौने हैं, छोटे हैं है ना, स्मॉल हाइट के हैं, इनको लेकर के ये सेवन कैरेक्टर्स हैं जिन्हें लेकर के करीबन 14 इयर्स तक पी प्लांट पर मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किए, और वही एक्सपेरिमेंट एनिमल्स जेनेटिक्स है ना, ह्यूमन जेनेटिक्स में भी वही रूल जो है वो आज फॉलो हो रहे हैं, उन्हीं की स्टडी हो रही है, उन्हीं पर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, उन्हीं पर वर्क हो रहा है, और वही जेनेटिक्स हम आज स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, पर चूंकि उन्हें उस समय नहीं, उन्हें बाद में ही सही, लेकिन ऑनर जरूर दिया गया, तो मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स इसलिए कहा जाता है, ठीक है। और ये आप टाइटल ध्यान रखिए कि मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। इसी के साथ साथ में अब मेंडल ने ये जो सेवन कैरेक्टर्स दिए हैं, ठीक है, फिर इन पर एक्सपेरिमेंट किए हैं है ना, केवल यही नहीं है, मेंडल ने इसके अलावा भी बहुत सारे जेनेटिक्स से रिलेटेड लॉज दिए हैं, ठीक है, रूल्स दिए हैं, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट प्रूफ किए हैं ना, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, सेग्रीगेशन, ठीक, और भी बहुत सारे लिंकेज से रिलेटेड, क्रॉसिंग ओवर से रिलेटेड, ठीक है, म्यूटेशन से रिलेटेड, सेक्स डिटर्मिनेशन से रिलेटेड, बहुत सारे जेनेटिक्स से रिलेटेड लॉज हैं जिसके बारे में हम आगे अपने वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे।
आज अगर आपको ये मेंडल का जो वीडियो है, ये जो लाइफ हिस्ट्री है, बहुत अच्छे से समझ में आया है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन बटन को क्लिक करें, ताकि जब भी मेरे नेक्स्ट नए वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।